Kama gani all of you, this is Komal Pawar and welcome back to my YouTube channel. So guys, आज है 22nd of March 2021. आज मेरी और रंसा की सगाई को हो चुके हैं 3 साल कंप्लीट. ऑब्वियसली अब शादी हो चुकी है बट मेरे लिए वो दिन आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफिशियली हम उस दिन साथ में हुए थे 2018 में. हम लोग 2017 में फर्स्ट टाइम मिले थे, 18 में हमारी इंगेजमेंट हुई थी, 19 में हमारी शादी हुई, 20 में बमसा हुआ है और 2021 में मैं उन सब खुशियों को सेलिब्रेट कर रही हूँ. सो यस, आई एम सो हैप्पी. सो अब मेन आज सेलिब्रेट करने का एक और रीज़न है, 17 जनवरी 2021 को हमारे 2 साल कंप्लीट हो चुके थे शादी को. बट उस टाइम पे मैं मेरे ससुराल गई थी और ड्यू टू सम रीज़न यू नो भमसा की तबीयत थोड़ी सी नाजुक हो गई थी यू नो मौसम परिवर्तन की वजह से. तो मैं वहाँ पर मतलब मुझे इतना सूझा ही नहीं कि मुझे ना सेलिब्रेट करना है एंड ऑल. तो मैंने सोचा था कि ठीक है वो दिन निकल गया. फिर मेरा मन नहीं हुआ कि मैंने कहा नहीं कोई ओकेज़न आएगा ऐसा तो तब मैं वो सेलिब्रेट करूँगी. तो वो मिस हो चुका है लेकिन आज ये 22nd of March मैंने पहले से सोच रखा था. मैंने जो आज डेकोरेशन करने वाले आई होप वैसे जो सोच रखा है ना वैसा टर्न आउट हो. बट तो मैंने से सोचा था 22nd of March को हमारी इंगेजमेंट को 3 साल हो गए तो मैं उस दिन दोनों चीज़ें सेलिब्रेट हो जाएगी यू नो. और कोई ओकेज़न की होता है ऐसे वरना अंदर से खुशी नहीं निकलती कि हाँ यार, वरना नॉर्मल दिन जैसे सारे दिन निकलते हैं. और रंसा को याद भी नहीं है कि आज हमारी सगाई हुई थी. सो सैड. सो आज उनको मतलब मैं सरप्राइज़ दे रही हूँ बेसिकली और उनका रिएक्शन देखना चाहती हूँ कि उनको कैसा लगता है, क्या मतलब क्या एक्सप्रेशन आते हैं उनको वो डेकोरेशन जो मैंने सोचा वो करने वाली हूँ वो देखकर. सो डेकोरेशन टाइप करने वाली हूँ, वो कैसा क्या करने वाली हूँ वो तो अभी आपको देखकर पता चल जाएगा. मैं अभी अब स्टार्ट करने वाली हूँ. मैं 4 बजे से सोच रही थी, अभी टाइम हो चुका है 7:45 बज रही है और मैं 4 बजे से वो चीज़ करने की सोच रही थी. बट आज यू नो बैड लक नहीं क्योंकि एक सेकेंड बताती हूँ, क्योंकि 4 बजे से लाइट गई हुई थी और लाइट गई हुई आंधी तूफान बारिश. तो मैं सोच रही थी कि यार मुझे जो चाहिए वो बाहर से लेके आना, मैं लेके आ पाऊँगी या नहीं आ पाऊँगी. सो किस्मत अच्छी थी कि बारिश रुक गई, लाइट भी आ गई, सब हो गया है और अभी टाइम है काफ़ी. तो वो जब घर पे आएंगे ना तब तक तो मैं तब तक सब चीज़ें कर चुकी होंगी. सो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट एंड यस. तो अब मैं डेकोरेशन अब करने वाली हूँ और आई होप उनको पसंद आएगा. आप भूल गए ना 3 साल हो गए आज अपनी सगाई को, मेन 2 साल हो गए अपनी शादी को. तो वो हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए तो वो आज मैं करने वाली हूँ, सरप्राइज देने वाली हूँ. सो अभी डिंगड़ी मैं एक क्विक बता देती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ डेकोरेशन, अभी आप देख लोगे. सेकंड, मैंने से सोचा है कि यू नो रात के टाइम पे मैं मतलब हमने कभी किसी से डिनर डेट टाइप यू ना कुछ करा नहीं है. तो मैं ऐसे हम लोगों को फास्ट फूड दोनों को बहुत पसंद है तो फास्ट फूड वाली डिनर डेट प्लान करी है. तो मैं फास्ट फूड लाके थोड़ा डेकोरेशन में यू नो थोड़ी लाइटिंग कैंडल एंड ऑल वो करने वाली हूँ. लास्ट में एज ए डिज़र्ट हम लोग केक कटिंग करने वाले हैं. उनको कोई भी आइडिया नहीं. और वैसे तो मुझे लगता है कि उनको आइडिया नहीं है कि 3 साल हमारी इंगेजमेंट को हो गए हैं और मैं आज सेकंड ईयर का सेलिब्रेट करने वाली हूँ. बट शायद उनको इंगेजमेंट का याद होगा बट मुझे नहीं लगता नहीं है. बट 5% मुझे लग रहा है शायद याद हो क्योंकि वो इंस्टा पे होता है ना क्या क्यों में आ जाता है कि यार 2020 में आपने इस दिन आज ये फोटो डाली थी, ये स्टोरी डाली थी, तो उसमें वो चीज़ आ गई हो और उन्होंने वो देखी हो तो उनको याद हो तो अलग बात है. बट उन्होंने मुझे अभी तक ना कोई देखा ना, मैंने भी नहीं किया, कोई फोटो वोटो भी नहीं डाली हमने, उनको तो मुझे नहीं लगता याद होगा. तो लेट्स सी कैसा क्या होता है. फटाफट डेकोरेशन स्टार्ट करते क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 1/2 आवर या फिर यू नो थोड़ा सा वो टाइम है. सो क्विकली गाइस, मेरे अथक प्रयास के पास मैंने ये सेटअप रेडी किया है. पसंद आया आई थिंक अंतक. मैं मंचूरियन पास्ता मैगी एंड कोल्ड कॉफ़ी रखने वाली हूँ. ये कैंडल्स रखी है एंड स्पेशली मैंने उनके लिए रखा है. यस ओके. जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है रंसा. हैप्पी सेकंड एनिवर्सरी यू. सो या Thank you.
मेरी मतलब चश्मे के साथ मेरे जरा अच्छा लग रहा है ना, जबर से बुलाना पड़ रहा है खाने में, फुल कॉन्सेंट्रेट करते हुए इंसान कैसा लगा होगा आपको? कैमरे के लिए झूठ बोलते हुए इंसान